अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं नाजमा इरफान आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आइए आज हम आपको सिखाते हैं चिकन बिरयानी, लखनऊ की फेमस चिकन बिरयानी खिलाना, आई मीन बनाना। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए है, करीब 200 ग्राम चिकन है। उसके बाद 200 ग्राम तेल है ये, और करीब दही तो ज्यादा है, करीब है 200-250 ग्राम, 250 ग्राम दही भी है। और थोड़ा मैंने एक हांडी लहसुन लिया है, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च से थोड़ा ग्रेवी में टेस्ट आ जाता है और तीखा सा। प्याज मैंने लिया है पीस के लिए, पीसेंगे प्याज ये, क्योंकि प्याज जो है चिकन में जल्दी गलती नहीं, चिकन जल्दी गल जाता है इस वजह से। और थोड़ी प्याज मैं एक एक्स्ट्रा निकालूंगी जिससे कि मैं बघारूंगी चिकन ग्रेवी। और नमक, मिर्चा और ये खड़े मसाले मैंने अदहन के लिए लिए हैं। और ये मेरा होममेड चिकन बिरयानी मसाला फिलहाल तो खत्म हो रहा है, बट मैं कल इसकी रेसिपी जरूर अपलोड करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ एक पतीली में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, चलिए इसमें डालते हैं प्याज। वैसे तो बिरयानी कई तरह से बनती है, लेकिन लखनऊ की जो फेमस चिकन बिरयानी है उसका जायका ही कुछ अलग होता है। थोड़ी देर में प्याज का मॉइस्चर जल जाएगा, थोड़ा थोड़ा बस हल्का ब्राउन होने तक के। ज़्यादा डार्क प्याज करेंगे तो ग्रेवी थोड़ी डार्क हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा लाइट कलर ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का ब्राउन होने लगा है, धीमी आंच पे प्याज डाल कर लाल कर लीजिएगा। बस इसका जैसे ही ये कलर आए तो आप इसमें चिकन डाल दीजिए। चलिए चिकन की तैयारी। गैस धीमी कर दिए ताकि थोड़ा तेल की छींट ना आ जाए। अब गैस को आप फुल फ्लेम पे बनाए करें। थोड़ा सा ऑयल में चिकन को फ्राई कर लेने से चिकन का टेस्ट बढ़िया हो जाता है और टूटता नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब चिकन का कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बस 10 सेकेंड और। जब चिकन पूरी तरह से कलर चेंज कर दे तो आप इसमें जो आपने अदरक, लहसुन और प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट है पीसा है वो आप डाल सकते हैं इसमें। अब ये डालने के बाद आँच तेज कर दिए, थोड़ा थोड़ा बॉयल तेज आने लगे। उसके बाद इसमें जो नमक और मिर्चा था वो डाल दीजिए। मिर्चा आप अपने स्वाद अनुसार भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी पे, चाहे जितना तीखा खाइए। बिरयानी जब तक चटपटी ना हो तब तक उसका तो जायका ही नहीं आता है। चलिए ये हो गया। दही मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं स्टीम, थोड़ी देर पकेगा। तो चलिए 5 मिनट बाद हम देखते हैं क्या हाल है। चिकन ने भी अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है और थोड़ा मसाले में जो था उतने ही मॉइस्चर में ये गल जाएगा। थोड़ा सा इसका अभी है लिक्विड, थोड़ा जल जाएगा। और इस बिना पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालना चाहिए, मैं भूल गई थी सामान में दिखाना।
केवड़ा वाटर डाल दिए थोड़ा सा, जिससे कि चिकन के अंदर तक के स्मेल आ जाएगी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। थोड़ी देर इसको और पकाते हैं, उसके बाद चलिए अब हम अदहन की तैयारी करते हैं। 2 मिनट और ये पक गया है, अब इसमें हम डालते हैं दही। दही खट्टी वाली यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसमें हम कम से कम 4 चम्मच तो डाल ही दें दही। चलिए अब इसको एक बार और चलाते हैं, उसके बाद अदहन की तैयारी करते हैं। अब इसको फुल फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर जल जाएगा। तो चलिए ये चावल भी धो लेते हैं। ये मैंने बासमती राइस हरी पत्ती जो चावल होता है वो मैंने लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाले स्पून से, जो छोटा इसमें का स्पून आता है, इसमें से मैंने 5 चम्मच सॉल्ट लिया है, ताकि ये 4 चम्मच तो इसका हो जाओ, बाकी 1 चम्मच पानी के से, क्योंकि पानी थोड़ा डिफ्यूज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी आप टेस्ट अनुसार अभी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं चावल धो देती हूँ, और ये रहे खड़े मसाले। तो ये खड़े मसाले मैं अदहन में डालती हूँ। ये मैंने भगोना एक चढ़ा दिया है, इसमें पानी है, आधे से भी बहुत कम पानी है, तो ये समझ लीजिए कम से कम 2 लीटर पानी होगा। और इसके अंदर ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे। मैंने ग्रीन चिली अलग से मैं डाल रही हूँ, मैं भूल गई थी उसमें रखना। तो ग्रीन चिली डालने से चावल में जो फ्लेवर आता है ना, तो हल्का सा तीखा फ्लेवर आ जाता है, और ऐसे भी सादा सादा खाली मसालों की स्मेल आएगी और मिर्ची की नहीं लगेगी, सिर्फ नमकीन चावल लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये डाल दो मिर्चा, तो इसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। तो चलिए इसको पकने देते हैं, फिलहाल हम चावल धो के डालते हैं, धो के भिगो के रख लेते हैं। थोड़ी देर भिगोने से चावल सॉफ्ट बनते हैं और लंबे भी होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमक भी डाल दिया और थोड़ा पानी में केवड़ा वाटर भी डाल दिए, जिससे कि पानी में खुशबू आती है और चावलों में भी खूब खुशबू आ जाती है, अच्छी बिरयानी की खुशबू यानी। और चलिए फिर अदहन का देखते हैं क्या हाल है। ये भी ठीक है, बस थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया, और उसके बाद मैं इसके ऊपर बिरयानी मसाला डालती हूँ। और ये रहा मेरा होममेड बिरयानी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था पहले, इसको डालेंगे। अब इसकी खुशबू बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल बिरयानी की खुशबू आएगी। बस थोड़ा सा इसका मॉइस्चर जल जाए, ऑयल आ जाएगा ऊपर। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ, जब तक कि मैं चावल भी धो दी। चलिए देखिए मेरी यखनी का क्या हाल चाल है। वाओ, इसमें देखिए ऑयल ऊपर आ गया, ये देखिए इसमें ऑयली ऑयल है। और जब इसको हम चला रहे हैं तो इसमें से नीचे मसाला बिल्कुल जमा जमा सा डार्क आ रहा है, देख सकते हैं बड़ी गौर से। ये देखिए बस इसके ऊपर ये गैस हम बंद कर देते हैं, अब इसको देखिए ऐसे ही रख देंगे जब तक कि हमारा चावल गल रहा है। ये हमारी अपनी तैयार हो गई, बहुत ही टेस्टी, बहुत खूबसूरत। वाह, तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। देखें चावल मैंने भिगो दिया है, और चलिए पानी का देखते हैं क्या हाल है। ये जब बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम लोग चावल डालेंगे। चावल डालने का चलिए देखते हैं, चावल लगभग खौल गया। देखिए अदहन अच्छे से पक गया है, इसके जितने भी स्पाइसेस डाले थे, जितने मसाले डाले थे, सबका अच्छे से कलर आ गया है। पानी का कलर हल्का सा ब्राउनिश टाइप हो गया थोड़ा। अब इसमें डाल देते हैं हम लोग राइस, ये भीगा हुआ रखा था, कम से कम 15 मिनट भिगो देना चाहिए। तो इसमें हमने राइस डाल दिया है, अब इसमें बॉयल आने दिए। वैसे तो बॉयल आ ही चुका है, लेकिन राइस डालने के बाद 1-2 बार बॉयल आ जाए, जिससे कि चावल में चावल गल जाए।
चलिए तो 2 मिनट हम फिर ढक देते हैं। ध्यान रहे कि ये उबले ना चावल, थोड़ा सा चाहे स्पेस खोल दिए जिससे कि आपको थोड़ा दिखता रहे चावल उबले ना। चावल को देखते हैं कितना हो गया है। चावल में अभी थोड़ा है। चावल को देखने का तरीका ये है कि चावल को थोड़ा सा हाथ में लेके आप ऐसे मसलेंगे तो चावल कनी बताएगा, इसमें कनी होती है थोड़ी सी, तो एक कच्चा चावल अभी ज्यादा मोटा है। इसको अभी और थोड़ी देर पकने देंगे। ध्यान रहे कि चावल ज्यादा देर चलाए ना जिससे कि चावल टूट जाते हैं। धीमी आंच पे करके थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। और चलिए फिर रायता बनाते हैं। दही बिरयानी के साथ अगर रायता ना हो तो बिरयानी का तो टेस्ट ही नहीं आता है। ये दही ज्यादा है फिलहाल हम लोग के लिए, तो इस वजह से हम दही कम कर लेंगे थोड़ा। बस इतने दही का हम रायता बनाएंगे। चलिए वैसे इसमें मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, मैंने ये होममेड चाट मसाला बनाया हुआ है, मैं यही रायते में डालती हूँ। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए, और फिर बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा बना था रायता भी और बिरयानी भी। इसमें मैंने करीब आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, और चाट मसाले में भी थोड़ी सी मिर्चा होती है तो इसलिए बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्च पाउडर और वाइट सॉल्ट, अगर आपको पसंद है तो आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकती हैं, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। बस अब इसको आप धीरे धीरे पेस्ट बना लीजिए इसका। और हाँ, ये रायता अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे ये थोड़ा गाढ़ा ज्यादा है, इसको पतला करने के लिए हम लोग पानी भी डाल, रायते को थोड़ा पतला करने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि रायता ज्यादा थिक होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। बस ये हमारा रायता तैयार। चलिए अब देखते हैं चावल का क्या हाल है। वाह, चावल तो लग रहा है गल गया। इसे एक बार चेक करते हैं चावलों को हम। तो चावल हो गया है, चलिए अब इसको पसा लेते हैं। तो ये चावल हम लोगों ने एक डलिया में पसा लिया। देखिए पसाने के बाद चावल देखिए कितना लंबा लंबा आया है, एकदम साफ सुथरा फरेरे चावल, एकदम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब इसको परत लगाने के लिए इसमें हम लोग पहले भगोने में थोड़ा सा जो ग्रेवी का ऑयल है थोड़ा सा वो डालेंगे, जिसकी वजह से जब हम दम पे लगाएंगे बिरयानी तो जलेगी नहीं। चलिए फिर परत लगा, अब इसमें थोड़े चावल डालेंगे हम लोग। चावल देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें एक बार चावल डालेंगे हम लोग थोड़े से, बराबर से चारों तरफ आ जाना चाहिए थोड़ा चावल। मसाले ये आप ना भी निकालें, खड़े मसाले जो इसमें पड़े हैं वो डले रहें तो वो भी अच्छे लगेंगे। एक परत ऐसी ये बन गई, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अखनी डालेंगे। अखनी डालने का तरीका ये है कि हम थोड़ा सा चिकन लेंगे, ऑयल ना आए, ओनली चिकन आए, चिकन और जो ग्रेवी होगी वो आप चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फैला दें। चलिए ये हुआ, अब इसके पर एक बार और लगाएंगे चावल, एक परत चावल की और लगेगी इसके ऊपर। ये देखिए, ये मैंने बोटियों के ऊपर ग्रेवी जितनी थी सब डाल दी, मैंने इसको सब बराबर कर दिया। अब इसके ऊपर जो थोड़ा ऑयल बचा है ग्रेवी और मसाला, ये मैं ऊपर से डालूंगी,
ऊपर से जब ये नीचे जाएगा ऑयल ना, तो सब चावलों में होता हुआ जाएगा। इससे बहुत ही एक अच्छा सा टेक्सचर चावलों में मिलेगा। और कलर के लिए मैं ये बिरयानी का कलर यूज़ कर रही हूँ, जो लाइट कलर है। मुझे डार्क वैसे मुझे नहीं पसंद है, वो आपकी उस पे है। और मैं दूध से कलर डिप करती हूँ। बहुत से लोग केवड़ा वाटर से भी करते हैं डिप, लेकिन मुझे दूध का फ्लेवर ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि वैसे भी बिरयानी जब दम पे लगाई जाती है तो थोड़ा सा दूध उसमें डाला जाता है, ताकि चावलों में एक मॉइस्चर रहे हल्का सा। और कभी आप भी डाल के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या है भाई। तो थोड़ा सा और मैं डाल दूँ, अब ये मैं पूरे में नहीं, बस एक दो जगह पे ऐसे ऐसे डाल दूंगी बस। अब इसमें जो दूध है, थोड़ा सा करीब आधा कप दूध है, तो मैं दूध ऐसे डाल दे रही हूँ दूर दूर पे कहीं कहीं पे, ताकि चावल नीचे जलेगा नहीं और दूध की वजह से चावल बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए फिलहाल मैं इसको दम पे लगाती हूँ और फिर देखते हैं 10 मिनट के लिए। इसको 3-4 मिनट मैं फुल फ्लेम पे रखूंगी, उसके बाद कम से कम 5 मिनट में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो फिलहाल फुल फ्लेम, चलिए देखते हैं चावल में भाप आई। वाह, 10 मिनट चावल दम लगा है पूरा पूरा, और अच्छे से चावल में भाप आ गई। अब थोड़ा सा चावल को हम लोग भगोना समेत उठा के थोड़ा सा हिलाएंगे। चलिए अब हम चावल देखते हैं। चावल अगर आप चम्मच से चलाएंगे तो ये चावल टूट जाएंगे। इस वजह से चावल जो है ज्यादातर यही होता है कि अगर छोटा भगोना है तो थोड़ा सा हिला लेंगे तो चावल ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो चलिए बिरयानी का लुत्फ उठाया जाए। दही रायता, प्याज और बिरयानी। वाह, बहुत अच्छी स्मेल आ रही, मेरा पूरा घर महक रहा है। चलिए अगर आपको भी बनाइएगा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर, प्लीज़ प्लीज़।